आज हम बात करेंगे भगवान महागणपति के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल तांत्रिक स्वरूप की, श्री उच्छिष्ट गणपति। आखिर ये नौबत क्यों आई कि भगवान गणपति को एक ऐसा अवतार धारण करना पड़ा जो अपनी अर्धांगिनी के साथ प्रति क्रीड़ा में यानी कि इंटरकोर्स में है और साथ में असुर का वध भी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणपति का एक ऐसा भी तांत्रिक स्वरूप है जो प्रत्येक अभिचार क्रिया यानी कि ब्लैक मैजिक की कोई समस्या आपके जीवन में हो या फिर कोर्ट केसेस हो, प्रॉस्पेरिटी की कोई समस्या आपके जीवन में हो, तो उसे सुलझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है भगवान महागणपति का एक ऐसा तांत्रिक स्वरूप जिस स्वरूप की साधना करने मात्र से अगर जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एंटिटीज़, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज अगर विद्यमान है तो उसको तो दूर किया ही जा सकता है, लेकिन साथ में ये स्वरूप आपको अपार धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य देने में सक्षम है। तो आखिर क्या है भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति का रहस्य? पौराणिक काल में एक असुर हुआ जिसका नाम था विद्यावान। विद्यावान असुर ने अपने तप के माध्यम से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद, जैसे हर असुर उनसे पूछते हैं, वैसे ही विद्यावान असुर ने उनसे कहा कि भगवान मुझे तो अमरत्व चाहिए, मुझे तो इमोर्टालिटी चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने फिर से एक बार थक कर कहा कि मैं कितनी बार आपको कहूँ असुरों को कि मैं आपको अमरत्व नहीं दे सकता। तो विद्यावान ने कहा कि ठीक है, अगर आप अमरत्व नहीं दे सकते, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जहाँ पे मैं त्रिलोक के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकूँ और मेरा वध वही कर पाए जो स्वयं एक देवता हो, लेकिन कोई सामान्य देवता नहीं, एक ऐसे देवता जो अपनी अर्धांगिनी के साथ रति क्रीड़ा में व्यस्त हो। रति क्रीड़ा यानी इंटरकोर्स, द डेटी हु इज़ हैविंग सेक्स विथ हिज पार्टनर, वही देवता विद्यावान असुर का वध करने में सक्षम हो। हवन एक ऐसी प्राचीन प्रथा जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भक्ति, समृद्धि, शांति और शुद्धता से भर सकते हैं, पर आज के समय में लोग इसका महत्व भूलते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमारी टीम का संकल्प रहा है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति में छुपे ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं हवन कप्स बाय राज, जिन्हें शुद्ध गोबर और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि आपके घर में कोयले और केमिकल्स के इस्तेमाल के बिना एक पवित्र वातावरण बन सके। तो अभी विजिट करिए हमारी वेबसाइट bbcstore.in और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। ये वरदान जब भगवान ब्रह्मा से मांगा गया, भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। और ये वरदान प्राप्त करने के बाद विद्यावान असुर को लगा कि ऐसे तो कौन से ही देवता होंगे जो अपनी अर्धांगिनी के साथ रति क्रीड़ा में व्यस्त होकर मेरा वध करने के लिए आएंगे, और उसने इस बात का लाभ उठाकर त्रिलोक में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, उनकी जो धन धान्य संपत्ति थी वो लूटना शुरू कर दिया, अपने जो खजाने थे वो भरने शुरू कर दिए। प्रजा जो थी वो इतनी गरीब हो गई, इतनी लाचार हो गई, सब ने अंत में जाकर त्रिदेव से विनती की कि आप इन असुरों को वरदान देकर इतना शक्तिशाली बनाते रहते हैं और बाद में जाकर ये असुर हमें ही परेशान करते हैं, अब आप निवारण लाइए कि विद्यावान असुर का क्या किया जाए। तब तीनों देवताओं ने कहा कि ये केस हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब जाकर गणपति आगे आए। गणपति ने सब लोगों को कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं एक ऐसा स्वरूप धारण करूँगा, तांत्रिक स्वरूप, जिनके कारण विद्यावान असुर का जो वध है वो संभव हो पाएगा। और उसी क्षण जो महागणपति थे, महागणपति ने अपना तांत्रिक स्वरूप धारण किया, जिसे नाम दिया गया है भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति। ये जो स्वरूप था, लाल रंग का स्वरूप था, उनकी जांघ पर स्वयं देवी विघ्नेश्वरी विराजमान है, जिसे शास्त्रों में हस्ति पिशाची के नाम से जाना जाता है। और जब इस स्वरूप का प्राकट्य हुआ, जब आप एक आइकोनोग्राफी भी देखेंगे
तब आपको पता चलेगा कि भगवान श्री उच्छिष्ट गणेश का जो जननांग है उसे माँ ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, और भगवान श्री गणेश की जो सूंड है वो माँ की योनि में है, यानी कि माँ की वजाइना में है। दे आर हैविंग इंटरकोर्स, और उस अवस्था में विद्यावान असुर का वध करने के लिए भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति गए और उन्होंने असुर के वध के बाद सबको आज़ाद किया। साथ में ये वरदान भी दिया गया कि मेरा ये तांत्रिक स्वरूप कलयुग में जो भी इनकी पूजा करेगा वो अपार धन धान्य समृद्धि तो प्राप्त करेगा ही करेगा, किंतु साथ में नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, आज की तारीख में अगर कोई भी लीगल केस चल रहे हो तो उन मामलों में भी भगवान का ये जो स्वरूप है वो अत्यंत लाभदायी साबित हो सकता है। उच्छिष्ट का जो ये नाम है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उच्छिष्ट यानी लेफ्ट ओवर, झूठा खाना, जब हम अपनी थाली में कोई निवाला छोड़ देते हैं और वो जो झूठा खाना होता है ना उसे उच्छिष्ट कहा जाता है संस्कृत में। अब इस स्वरूप का जो एसोटेरिक मीनिंग है वो ये है कि आप जो उच्छिष्ट अवस्था है अपनी, यानी कि आप एक लेफ्ट ओवर की अवस्था में हैं, आपकी आत्मा जो है वो माया से घिरी हुई है, और उसमें से आपको बाहर लाकर प्योरिटी की ओर ले जाने के लिए भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना की जाती है। ये जो तांत्रिक स्वरूप है उनके फायदे तो मैंने आपको बताए, लेकिन जो श्री विद्या साधना है, जो मूल महाविद्या की साधना है, सर्वोच्च तंत्र साधना है, उसमें वन ऑफ द प्राइमरी साधना अगर कोई कही जाए तो वो श्री भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना है। इसी कारण से उस समय से लेकर आज तक भगवान का ये तांत्रिक स्वरूप अत्यंत प्रचलित है, और भारत के कोने कोने में इनकी साधना जो है तांत्रिकों के द्वारा की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप और ज़्यादा तांत्रिक स्वरूपों के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे आपके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट हम लाने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो के ऊपर कमेंट करिएगा। साथ में ऐसे ही कंटेंट को देखते रहने के लिए राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।